दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है आपकी जीडीसी की? उम्मीद है अच्छा ही चल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं जीडीसी 2018 में जो अरिथमेटिक का सवाल था। सबसे पहले दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी में। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, तो हमें शेयर जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इफ इन दिस इलेक्शन देयर आर ओनली टू कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% वोट्स डेफिटेड इज रिवल बाय 1100 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज। तो सबसे पहले ऐसा सवाल में ये ढूंढोगे कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के निकालना क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालिए। मान लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एक्स। अभी देखिए कुछ कुछ बच्चों का सीधा आता है, गुरुजी हिंदी में सर, हिंदी में सर, हिंदी में बाबू। हम शुद्ध देहाती हैं, मतलब बचपन से गांव के स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी बेकार है, लेकिन समय के हिसाब से कुछ तो जानना जरूरी है। अभी देखो हम इसको हिंदी में भी लिखते हैं तो माना कि कुल वोटर की संख्या एक्स, लेट्स टोटल वोटर्स बराबर एक्स, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सारी क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चन जो दिखेगा डिस्प्ले में वो इंग्लिश है, बाकी सब हिंदी रहेगा। बोलना बाजना समझना आपको एक पैसा समस्या हिंदी इंग्लिश का मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आइए अभी क्वेश्चन में अगला सेंटेंस, 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। सबसे पहला चीज दिया है कि ये टोटल वोटर्स एक्स है, इसमें 8% वोटर्स वोट नहीं दिया। तो नंबर ऑफ वोटर्स यानी हिंदी में ही लिखते हैं, कितने वोटर ने वोट दिया, 8% ने नहीं दिया था, तो दिया कितना, 100-8% ऑफ एक्स यानी 92x/100, इतना वोटर ने वोट दिया। अब कंडीशन पढ़ो, अब बोलता है कि इफ देयर आर ओनली टू कैंडिडेट्स, अगर उस इलेक्शन में दो ही कैंडिडेट था तो विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% वोट डेफिटेड इज रिवील बाय 1100। 48% वोट कोई व्यक्ति लाके अपने हारने वाले को 1100 वोट से हरा दिया। तो सबसे पहले देखो 8% तो वोट नहीं पड़ा, ठीक है, और तो विनर को कितना, जीतने वाले को कितना वोट मिला, जीतने वाले को मिला 48%, मतलब 48x/100, ठीक है। 8% चला गया नहीं दिया, 48% जीतने वाला ले लिया, कितना बच गया, 56% तो खत्म हो गया, कितना बच गया 44%। तो हारने वाले को कितना मिला, 44x/100। अब देखो इसको 4% वोट का अंतर कितना है, 48-44, 4%। और बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% वोट डेफिटेड इज रिवील बाय 1100 वोट्स, कि 48% वोट लाके विनर ने लूजर को 1100 वोट से हराया, मतलब 4% टोटल का कितना है, यानी प्रश्नानुसार इधर लिख दो, प्रश्नानुसार क्या होगा कि 4% ऑफ एक्स बराबर 1100। तो एक्स कितना हो जाएगा, 1100×100/4, 25 गुना कर दो, 11×55, 11×22 और 5 27 पर 00, 27,500 वोटर था टोटल। तो इस तरह का ढेर सारे सवाल आएगा जिसमें सिर्फ यही रहेगा कि एक इतना वोट दिया, इतना नहीं दिया, इतना पे ये हारा, इतना पे जीता, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, एकदम रामबाण उपाय याद रखो, इसको हम रामबाण बोलते हैं। रामबाण अपना गाँव के लैंग्वेज में है ना, कि रामबाण मतलब ई बाण के कोई इलाजे नहीं, अगर ई सीख लिए तो सब सीख लिए। तो यहाँ पे देख आपका बोलता है कि टोटल वोटर मान लिया एक्स, उसमें जो जो बोला सेंटेंस वाइज एकदम पसेंजर ट्रेन के जैसा, एको को पसेंजर और स्टेशन छूटना नहीं चाहिए, तो वो एको को पसेंजर स्टेशन अगर नहीं छोड़ेगा तो हर एक चीज मालूम रहेगा। उसको देखते हुए अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सीधा सबसे पहले बोला कि 8% वोट नहीं दिया, चल भैया 8% हटा दिए। अब बोलता है कि जीतने वाला को 48% मिला, चलो उसको जिता दिए दे के। ओकरे बाद बोलता है कि हारने वाले को कितना होगा, तो निकालना पड़ेगा, कहा है कि 8% वोट नहीं दिया, 48
जीता, मतलब 56% तक खत्म हो गया, पता कितना 44%, तो 44% हारने वाला के मिला, 48 जीतने वाला के मिला, हारने वाला के 44 वाला, तो कितना वोट के अंतर रहा, 48 घटाओ 44% मतलब 4%। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा दे दिया है कि जीतने वाला 1100 वोट से हराया, मतलब 4% बराबर 1100 था, सॉल्व कर दिया 27500 निकल गया। तो इतना ही आसान तुम्हारे सवाल रहता है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत आसान है। चल दूसरा सवाल देखते हैं, और आप थोड़ा कॉपी कलम लेके कंसंट्रेट होके बनाइए। आइए एगो सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ ए सम आरएस 640 ए पार्ट वाज लेंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर पार्ट 9%। इफ द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट आफ्टर 3 इयर्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट 6 इयर्स, व्हाट इज द सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहली बात है कि क्या कह रहा है, हम धीरे से आसानी से पढ़ेंगे, और क्या निकालना है। बोल रहा है कि 640 रुपया को दो पार्ट में बांटा और दोनों को अलग अलग जगह पे दे दिया, दो आदमी को अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे। तो सबसे पहला आप क्या लिखेगा, कुल पैसा कितना है 640 रुपया, 640 के दो पार्ट में बांटा, तो मान ले दोनों पार्ट एक तो x रुपया, एक तो 640 माइनस एक्स, ये ना होगा। अगर 640 रुपया था ओकरा में एगो x हो गया तो दूसरा का कितना होगा, 640 ही होगा माइनस x ही होगा, तीसरा तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो जैसे समझ जाए इसके एक आपके पास 10 आम था, तीन एगो दोस्त को खिला दिए तो कितना बचा रहा, 10 माइनस 3 ना बचा 7 आम, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, हम दूसर का पार्ट माइनस करके ही निकालते हैं, जोड़ के नहीं निकालते हैं। उसके बाद बोलता है कि पहला पार्ट को 6% सिंपल इंटरेस्ट पे एंड दूसरे पार्ट को 9% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, और पहला पार्ट जितना 3 साल में इंटरेस्ट लेता है दूसरा पार्ट उतना 6 साल में इंटरेस्ट देता है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट है। अब आप लिखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि एक्स पैया 6% पे 3 साल में जितना इंटरेस्ट देगा, 640 माइनस एक्स ये था 6%, ये है 9%, कई साल में 6 साल में उतना ही इंटरेस्ट देगा, ये है प्रश्न अनुसार। तो अब बताइए कहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है, थोड़ा हूँ दिक्कत नहीं है, एकदम एक लाइन में बोल दिया वो कि फर्स्ट पार्ट 6%, अदर पार्ट 9%, द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट आफ्टर 3 इयर्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट आफ्टर 6 इयर्स। अब 100-100 तो आपका कट गया, एक्स गुने 6 गुने 3, अच्छा ये 6-6 ये भी कटा दीजिए, तो कितना बच गया 3x, इधर 9 का सुनना से सुनना, 9 चौके 36, 9 छक 54 और 3 57 माइनस 9x, इसको इधर ले आइए, 3x जोड़ 9x 5760, 12x 5760, x 12 से भागा दे दीजिए, 12 चौके 48, 9 96, 12 96 480 रुपया। एक पैसा 480 होगा तो दूसरे का पार्ट कितना होगा, 640 माइनस 480 यानी 140 रुपया, क्या 140 होगा ना, 500 140 160 रुपया, 160 रुपया। तो इतना आसान आपका सवाल GDCE पूछता है, सब ये सब एक चीज बेइज्जती महसूस मत करना, लेकिन जो वाजिब है हम बोल रहा है ये सब सब 6th क्लास का सवाल है, हम तो ट्यूशन में पढ़ाते हैं ना, अभी छोड़ दिए थोड़ा दिक्कत से, तो सब 6th क्लास का सवाल है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए सब बन जाएगा। चलिए एक तो अगला सवाल और करते हैं, चलिए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा समझदारी दिखाना है, खाली लंबा लिखा है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर एस 50-50, द एवरेज मंथली इनकम क्यू एंड आर 62-50, एवरेज मंथली इनकम पी एंड आर 5200, द मंथली इनकम ऑफ पी। तीन कंडीशन दिया है तीन आदमी के, अरे आपको उससे एक आदमी का निकालना है, तो जो बोल रहा है उसको समझिए और बोलिए, अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, चलो हिंदी में क्या लिखा है कि P और Q का औसत मंथली इनकम 50-50 है। तो सबसे पहले एकदम सीधा P का और Q का औसत कैसे निकालते हैं, दो आदमी का बटे टू, ये है 50-50, यानी P जोड़ Q कितना हो गया, सुनना 10,100, ठीक है। दूसरा वाला निकालो, दूसरा वाला बोलता है Q एंड R,
का मंथली है 6250, क्यू प्लस आर सेम बटे टू तो डबल हुआ तो दो गुने 6250 यानी क्यू प्लस आर सुनना दो पंचे दस पाँच दो छः बारह 12500 इसको दूसरा मान लो। तीसरका बोल रहा है आर और पी 5200 यानी आर प्लस पी कितना हो जाएगा 5200 गुने दो यानी 10400। पी के मान निकालना है तो इसका खाली निकालना है तो जहां पर भी तीन चीज का तीन ठो अलग अलग इक्वेशन दे दिया सबसे पहला काम क्या करेगा तीनों को आपस में जोड़ दो एक दो और तीन के जोड़ने पर क्या मिलेगा P प्लस क्यू पहला का मिला दूसर का के Q प्लस आर और तीसर का के R प्लस पी और तीनों के जोड़ेगा तो ये तीनों जोड़ना पड़ेगा कितना लिखेगा 10100 12500 और जोड़ 10400। अब देखो सम इसमें भी P है इसमें Q R है इसमें R P है यानी 2 × P जोड़ Q जोड़ R आ गया ना दो ठो P है दो ठो Q दो ठो R इधर सबको जोड़ेगा तो 400 5 900 1 1000 सुनना फिर बच गया 1 2 1 3 1 1 2 1 3 33000 रुपया P प्लस क्यू प्लस आर हुआ तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना निकलेगा दो से भागा 16500 और निकालना क्या है बोल रहा है P का मान निकालिए तो P का निकालना है तो क्यू आर नहीं चाहिए ना यहाँ देख Q प्लस आर कितना है 12500 तो P कितना होगा 16500 और माइनस 12500 P का मान कितना निकल गया 400। कोई दिक्कत कहनो दिक्कत है कहनो दिक्कत नहीं है तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से सब सवाल को बना सकते हैं। चलो एक सवाल और करते हैं हम देखिए इतना सवाल इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी मेरा कैंडिडेट जीडीसी में ई नहीं बोलिएगा कि सर हमसे मैथ्स नहीं बन पाया सब छठा सातवां आठवां क्लास के है इसलिए आप इसको रेगुलर बनाइए और नहीं बना सकते हैं तो मेरा रेगुलर में जितना वीडियो बताएंगे सबको कॉपी कलम लेके प्रैक्टिस करते रहिए दावा है मैथ नहीं दिक्कत करेगा परंतु चलिए भगवान के भी कुछ इच्छा होता है आप कितना मेहनत करते हैं। हाँ और दूसरी बात है कि आपको ज़रूरत रहना चाहिए कि हमको प्रमोशन लेना है अगर आपको ज़रूरत होगा प्रमोशन लेने का तभी आप कहिएगा कि हाँ सीएम झा सही से पढ़ाते हैं और हमको पढ़ना भी है नहीं तो सब बेकार लगेगा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन और करते हैं आइए एक सवाल करते हैं बहुत ही पूछता है इस सवाल इसको बोलते हैं हम लोग रेल और दूरी का सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस भी बोलिए समय दूरी बोलिए रेलगाड़ी वाला सवाल है नाव वाला सवाल है धारा और चाल वाला सवाल है नाव धारा चाल तो ये जितना सवाल है रेल नाव धारा आप जो भी तैयारी किए होंगे इसके पहले आपको मालूम होगा कि बड़ी घुमाता है कहने का मतलब मेरा ये है कि बड़ी परेशान करता है आपको थोड़ा सा लेकिन कुछ नहीं है थोड़ा सा आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा हम आपको एक तो पहले कंसेप्ट दे देते हैं कि ये मान लीजिए कोई रास्ता है रास्ता में दो चीज आएगा एक मान लीजिए कोई गाड़ी को लेकर एक ट्रेन इस पर जा रही है हाँ तो ये ट्रेन जब जाएगी इस रास्ता में तो दो चीज पार करता है एक तो ब्रिज पुल या तक खंभा तो ध्यान रखना है कि खंभा का कोई दूरी नहीं होता है जो पोल है कोई दूरी नहीं होगा इसका ठीक है पोल का कोई दूरी नहीं होता है जबकि बाकी सब चीज का कोई तो लेंथ दिया रहेगा तो अगर लेंथ दिया है इस दिशा में पार कर रहा है तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा अगर इधर से एक गाड़ी आ रही है इधर से एक गाड़ी आ रही है उसको जोड़ना पड़ेगा और ये सब सारी बातों का जानकारी हम एक वीडियो में दिए हुए हैं कार्ड पे क्लिक करिए उस वीडियो में पहुंच जाइएगा नहीं तो आप प्लेलिस्ट का मैथ्स में जाइए दूरी समय वाला वीडियोज को पढ़िए पूरा डिटेल में बता दिए हैं कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा ठीक है तो दोबारा यहाँ पे समय ना बर्बाद करते हुए आप वहाँ देख लीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स करिएगा उस वीडियोज में या इस वीडियोज में या
मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं और अगर लगता है कि आपको कुछ हम अच्छा बता रहे हैं तो आपका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो GDCE रेलवे के लिए हम बनाए हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं, और कुछ भी समस्या प्रॉब्लम हो तो उसके साथ हमारा कंटिन्यूस बातचीत होते रहता है सबका, तो आप कर सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा उसमें होगा अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो। और अगर कोई रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है इसका तैयारी कर रहे हैं और उसका अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट्स करिएगा, उसके लिए भी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिसमें कि आप जुड़ के हमारे साथ में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और एक दूसरे का इंटरेक्शन बना सकते हैं। हमारा प्रयास है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम बच्चा लोग के नज़दीक पहुँचने का प्रयास करें, उन बच्चों का जो बच्चा अभी तक थोड़ा हिंदी माध्यम के कारण कमजोर पड़ जाता है और ना तो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन किसी भी चीज में एक दूसरे से बराबरी कर पाने में थोड़ा अपने आप से हिचकता है, तो आप हमको एकदम मानिए, हम आप ही जैसा हिंदी मीडियम के बुतरू है थे है नहीं, अब तो नौकरी चाकरी करते हैं और अभी बहुत कुछ बताएंगे। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। ये सवाल बोल रहा है कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉस ए पोल इन 15 सेकेंड। एगो ट्रेन है 200 मीटर का, ये एक तो पोल को 15 सेकंड में पार करता है, तो इस पोल को पार करने के लिए ये इंजन है मान लीजिए, ये गार्ड बोगी है, तो ये पूरा 200 मीटर ही दूरी पार करेगा ना, तो यानी पोल को पार करने में दूरी कितना तय करेगा 200 मीटर, और समय कितना दिया हुआ है 15 सेकंड। दो चीज मिल गया, देखिए दूरी और समय मिल गया, एक फॉर्मूला काम करता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। पूरा किताब का सवाल इसी एक फार्मूला पे बनता है, तीसरा कोई फार्मूला इसका नहीं है, बाकी जितना भी और इसमें सीखिएगा सब सप्लीमेंट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म, उसके बाद बोल रहा है कि एक प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार करता है, तो पहले आपको दूरी मिल गया समय मिल गया, तो रेलगाड़ी का चाल निकाल लीजिए, रेलगाड़ी का चाल दूरी बटे समय, 40/3 यानी 40/3 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना है यूनिट बड़ी काम का है। अब बोलता है वो प्लेटफार्म है, लंबाई नहीं मालूम है L, 60 सेकंड में पार कर जाता है। अब आपको क्या है, देखिए चाल मिल गया, चाल मिल गया, समय मिल गया प्लेटफार्म के लिए, प्लेटफार्म के लिए समय है 60 सेकंड, चाल मिल गया समय मिल गया, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो प्लेटफार्म का लंबाई 40/3 चाल अगुने समय, 3 × 20 = 80, 800 मीटर। तो पूरा सवाल इसी पे बनेगा, वो वीडियो देख लीजिए सब पता चलेगा। और दूसरा एक तो याद रखेंगे किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड करना है, तो आपका 5/18 से गुणा कर दीजिएगा मीटर पर सेकंड, और अगर मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर कर दीजिएगा। ये तो चीज़ बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा रिलेशन करके तो यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिट वही रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए एक सवाल और करते हैं। बड़ी छोटा सा देखने में सवाल है, हम लिख ही देते हैं, इसका फोटो नहीं चिपकाएंगे, कि द लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित है या विभाज्य है। सबसे बड़ी बात, ऐसा ढेर सवाल आता है, इस बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की, 5 अंकों की, ढेर सवाल आएगा। तो अभी आपको सिंपल सा चीज जानना है, तो सबसे पहले बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस पे ध्यान देना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, यही ना, किसके अलावा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अभी बोल रहा है कि इससे आगे तो आप जाइएगा तो 5 अंक हो जाएगा, यानी 88 से जो विभाजित होगा वो इससे छोटा ही होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसी को कि 88 से आपका विभाजित है कि नहीं है, 11, 9 एक बार में फिर जाएगा, 1, 31, 9 कितना बार में जाएगा, 4 बार में तो नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, 24, 24 और 2, 26,
चार गया पांच, यहाँ कितना ग्यारह, ग्यारह में छ गया पांच, देखिए 55 शेष बच जा रहा है, शेषफल 55 है। और कोई भी आपका जो दसवां क्लास में था तो यूक्लिड, या हम लोग बचपन में पढ़े थे भागफल का नियम क्या बोलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाजक, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भागफल, और नियम क्या है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अभी आप देखिए ये तभी पूरा पूरी कटेगा जब शेष हमारा सुनना हो यानी जीरो हो, और यहां शेष कितना है 55, तो शेष अगर हमको शून्य करना है तो ये क्या होगा इधर आके माइनस होगा, यानी भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुने भागफल। तो आपको यही तो निकालना है शेष कम हो, तो क्या करिए इसमें शेष को माइनस कर दीजिए, यानी 9 9 9 9 माइनस 5 5 यानी 9 9 4 4, ये जो संख्या है अभिष्ट संख्या होगा कि चार अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या है और 88 से पूर्ण रूप से विभाजित है। कैसा लगा, हम अंग्रेजी का क्वेश्चन पढ़े बताए सब आपको हिंदी में, हमको नहीं लगता है कि कहूं हमारा देहाती बुतरू ऐसा होगा या लड़का होगा कैंडिडेट होगा जिसको हमारा हिंदी अंग्रेजी नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट्स करिए, व्हाट्सएप में बताइए, हम आपको ठेठी भाषा में समझाएंगे, मतलब आप जो लैंग्वेज समझते हैं उसी में समझाएंगे। लेकिन गणित नहीं समझ में आया ये बात हम सुनना नहीं चाहते ना सुनेंगे, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है आप उसी लैंग्वेज में हमसे पूछिए, हम वो भी बताएगा। खाली बिहार झारखंड से बाहर मत जाइएगा, वो मतलब यूपी एमपी जा सकते हैं, बंगाली तेलुगु उड़िया ये सब हमको नहीं आता है। इसके लिए हम उन दोस्तों से आग्रह करेंगे कि जिनको हमारा भाषा समझ में आता है ड्यूएल होके वो हमारा भाषा में अपने भाषा को कन्वर्ट करके समझा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद आपका प्रेम है जो हम इतना कठिन समय में भी, मतलब ये लॉकडाउन है, रेलवे की नौकरी और बहुत कुछ करने के बाद भी समय निकाल पा रहे हैं और आपको कुछ बता पा रहे हैं, ये सब आपके प्रेम का फल है। तो आप अपना प्रेम हम पे ऐसे ही बनाए रखिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके चैनल को अपने दोस्त में सब्सक्राइब करवाइए, परिवार में फैमिली में जिसके साथ भी हो सकते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, क्योंकि आप जितना परिवार आगे बढ़ेगा हम आपका उतना ही मदद कर पाएंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, और क्या आपको चाहिए ये हमको जरूर कमेंट्स में या व्हाट्सएप में बताइएगा, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे सवाल के साथ तो वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सवाल और इस तरह से प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं कि आप सिर्फ वीडियो भी देखते रहेंगे तो 90% प्रॉब्लम बना देंगे।